चलिए, हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपके साथ आज हम डिस्कस कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का एक नया चैप्टर। लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था इसके बारे में, गेट ओपन फाइल नेम मेथड के बारे में, और मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसको समझ लिया है। अब गेट ओपन फाइल नेम मेथड के बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है फ्रॉम डायरेक्टरी। आज हम आपको कराने वाले हैं फ्रॉम डायरेक्टरी। तो जैसे कि हमने आपसे साथ डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट क्लासेस में, कि हमारे इससे पहले जब मैंने आपको डेटा सेपरेशन और डेटा कैलकुलेशन की पढ़ाई थी, तो मेरे पास एक एडवी एक्सेल फोल्डर में एक डेटा नाम का फोल्डर है, और इसमें मेरे पास 1 से लेकर 11 तक का डेटा है। तो हम चाहते हैं कि इसमें जितने भी फाइल्स है इसका डेटा एक सीट पे कॉपी पेस्ट हो जाए, राइट? एक सीट पे कॉपी पेस्ट हो जाए। तो इसके लिए हम चलिए प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसमें हम प्रॉम्प्ट डायरेक्टरी का इस्तेमाल करेंगे। तो डेवलपर में आते हैं, विजुअल बेसिक। सब्जेक्ट आर आर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहां पे देते हैं एफ एन इक्वल टू डी आई आर ब्रैकेट में फाइल का पाथ, जो फाइल का पाथ है हमारा। एफ एन इक्वल टू स्ट्रिंग एंड टीचर वगैरह ले सकते हैं ना? हाँ, आप डिफाइन कर सकते हो, मैं डिफाइन नहीं करता, कभी 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 कर देता हूं। डॉट एक्सएल एस एम स्टार डॉट एक्सएल एस एम, और हमने यहाँ पे वीवी नॉर्मल कर दिया इन नॉर्मल फाइल्स को। तो यहाँ पे अब चलिए डिफाइन कर देते हैं हम एफ एन एज ए स्ट्रिंग, वेरिएंट जो भी करना चाहे स्ट्रिंग कर देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्रिंग है, और डायरेक्टिव फॉर्मूले ने क्या किया हुआ है, इसके अंदर इस फॉर्मूले के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले को ये निकाल, माफ कीजिएगा हमने डॉट लगाना भूल गए यहाँ पे। तो सारे फॉर्मूले, सारे जितने भी फॉर्मूले का लिस्ट है उस फॉर्मूले को यहाँ पे इसने कर दिया है। ठीक जी है, सर, हाँ जी, सर कुछ पूछ सकता हूँ क्या बीच में या लास्ट में पूछोगे? इसी से रिलेटेड है कोई और है? उसी से रिलेटेड है बोलिए। सर, स्टार डॉट एक्सएलएम का मतलब कि एक्सएलएस एम फाइल का ये है ना एक्सटेंशन, यहाँ पे जो फाइल है साले एक्सएलएस एम की फाइल है ना हमारे पास, माइक्रो एनेबल फाइल। ठीक जी। है, तो हम तो स्टार स्टार डॉट स्टार भी रख सकते हैं ना सर? और स्टार स्टार ऑल फाइल होता है, तो फिर प्रॉब्लम हो गई इसमें, अगर मान लीजिए कोई अदर एप्लीकेशन का डेटा हुआ तो। जैसे नोट पैड हुई या कुछ और हुआ तो फिर तो उसको दिक्कत हो जाएगा ना, एरर शो कर देगा क्या? सर अगर एक्सएल एस एम और उसके बाद एक्सएल एस एक्स इस तरीके से अलग अलग फाइल्स हैं तो फिर आप उसके लिए एक्सेलेस कर दो ना, सब ले लेगा वो। उसके बाद चलेगा सर, यहाँ पे हम चलेगा। डू वाइल लूप लगाते हैं और बोलते हैं कि एफ एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और फिर हम यहाँ पे करते हैं कि वर्कबुक वर्कबुक्स डॉट ओपन वर्कबुक्स डॉट ओपन। तो वर्कबुक्स डॉट ओपन, और यहाँ पे हम ये एक्सटेंशन दे देते, ये हमारा डायरेक्टरी तो फिक्स है, डायरेक्टरी दे देते हैं, और इसके साथ सर हम थोड़ी फॉर्म सी एंड एफ एन हो गया। तो यहाँ पे हमने कर दिया डू वाइल एफ एन, हमने वर्कबुक को ओपन किया, और फिर हम यहाँ पे इसके शीट्स इस डेटा शीट पे चले जाते हैं। डॉट सेलेक्ट
फिर यहाँ पे आते हैं रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, नहीं माफ कीजिए, A1 डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी होगा, करेंट रीजन डॉट कॉपी। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे वर्कबुक। अब वर्कबुक का नाम बता रहे ठीक है, वरना मैंने क्या किया कि यहाँ पे कर देता हूँ तो एक्टिव वर्कबुक में कि AW इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम, और यहाँ पे मैं करता हूँ वर्क बुक, और इसके अंदर में एक्टिव वर्कबुक डॉट एक्टिवेट शीट्स, यहाँ पे डेटा जिसपे हमें कॉपी करेंगे डॉट सेलेक्ट, अगर नहीं है तो नाम डाल दीजिए या फिर जो भी आपका नाम है वो डिफाइन कर दीजिए, और यहाँ पे डेटा कर देते हैं, डेटा ऑलरेडी है कॉपी करेंगे, हटा देते हैं। और उसके बाद हो गया, एक्टिव विंडो डॉट कर सकते हैं। नहीं नहीं अभी अभी तो मैं कॉल जस्ट गया है, पेस्ट कहाँ किया मैंने, अभी पेस्ट करना होगा ना, हम देंगे रेंज A65000 डॉट एंड XLS आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव, एंड फिर हम ये जो हमारा वर्क बुक डॉट क्लोज है हमारा वो यहाँ होगा, सर सेव कैसे आएगा? क्यों इसके बाद आएगा, ये जो सेव ये फाइल है उसको सेव नहीं करेंगे हम जिसपे डेटा कॉपी किया हमने। और क्लोज एफएन डॉट क्लोज, और यहाँ पे दे देंगे क्लोज, और बा ये हो गया फाइनली तो हो गया टोटल। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एफएन इक्वल टू 2,000 ब्रैकेट लिखूंगा, मतलब कि लोड द अवेलेबल फाइल, ठीक है, क्योंकि एफएन में एक बार में एक ही फाइल लोड होगा ना, तो DIR देने से क्या होगा कि वो नेक्स्ट फाइल को लोड करेगा, ठीक, सेम तरह से प्रोग्राम चलेगा तब तक जब तक कि DIR इस पे कुछ भी में ब्लैंक लोड नहीं करता, इसे ब्लैंक लोड करेगा ये आपका होगा। तो प्रॉब्लम सक्सेसफुली वर्क है, और हमने आपको इससे पहले की क्लासेस में भी ये चीज बताया हो। अब प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो हमारा डायरेक्टरी है दिस इज द फिक्स डायरेक्टरी, अब मैं चाहता हूं कि ये डायरेक्टरी फिक्स ना हो, मतलब कि जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूं मुझसे पूछे मुझे मुझे ब्राउज का ऑप्शन ब्राउज टाइप का कुछ चाहिए, तो यहां पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं, यहां पे कोड डालेंगे गेट फ्रॉम डायरेक्टरी मतलब गेट फोल्डर, तो यहां पे लिखते हैं विथ एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग। अब फाइल डायलॉग में सिर्फ फोल्डर ही नहीं, जो कल मैं कल की क्लास में जो मैंने आपको फाइल पिकर वगैरह बताया था ना, फाइल पिकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ओपन भी और सेव एज भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहीं पे फोल्डर पिकर इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, बाकी के लिए भी कर सकते हैं आप, तो हम यहाँ पे लिख दिया फोल्डर पिकर। ठीक है, फोल्डर पिकर यहाँ पे डॉट इनिशियलाइज नेम, मतलब कि डिफॉल्ट पाथ आपको देना पड़ेगा कि डिफॉल्ट पाथ आपका क्या है, तो डिफॉल्ट पाथ में दे दिया यहाँ पे कि एप्लीकेशन डॉट डिफॉल्ट फाइल पाथ,
और इसके साथ हमें ये एंड पर्सन का सिंबल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंबल होता नहीं, ये सिंबल जो है नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे देते हैं डॉट टाइटल, कि टाइटल क्या होगा। टाइटल में दे दिया यहाँ पे सेलेक्ट कॉपी फोल्डर डॉट शो, ताकि शो करेगा। और यहां पे अब यहां पे कंडीशन देना पड़ेगा, हो सकता है कि कोई सिलेक्ट ना करे, यहां इफ देना पड़ेगा कि इफ इस ऊपर दे दिएगा नीचे दिया, यहां देना पड़ेगा कि इफ डॉट सेलेक्टेड आइटम्स, ब्रैकेट में हमें देना पड़ेगा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर, एक सेकंड। सेलेक्ट आइटम डॉट काउंट इक्वल टू जीरो, मतलब कि कोई भी आइटम सेलेक्ट करेंगे तो काउंट आएगा, कोई 1 2 3 4 काउंट आएगा। अगर इक्वल टू जीरो है, इट मींस हमने कोई काउंट सेलेक्ट नहीं किया है। तो मैं यहां पे एक मैसेज आना चाहिए कि एमएसजी बॉक्स कैंसल्ड, CAN कैंसल्ड। फिर यहां पे एग्जिट एग्जिट सब, ताकि माइक्रो स्टॉप हो जाए, और फिर यहां पे एंड इफ, और एंड इफ एल्स में एल्स में हम यहां देंगे पाथ में पी इक्वल टू डॉट सेलेक्टेड आइटम्स, और इसमें हम देंगे नंबर, एक वन नंबर। तो जो सिलेक्टेड आइटम है उसका पाथ जो है यहां पे डाल देगा, और फिर जहां पे हमारा पाथ डाला हुआ है, जो पाथ डाला हुआ है, अब इस पे हम क्या करेंगे, यहां देखिए यहां पे हम P के साथ इसको कॉनकटानेट कर देते हैं। चाहे एक काम, यहां पे ये हो गया, यहां पे एक चीज और करना है, P इक्वल टू P के साथ कॉनकटानेट हो जाएगा ये वाला, ये नहीं होता इसमें, और हमने यहां पे P के साथ कॉनकटानेट किया और डॉट एक्सलेस, और यहां पे जहां पे हमें ओपन करना है तो यहां भी हमारा P होगा, ठीक है। तो जैसे हम इस माइक्रो को ऑन करेंगे, मैंने मान लीजिए रिकॉर्ड किया, कौन सा माइक्रो है आर आर, हाँ, जैसे इस माइक्रो आर आर माइक्रो को मैं, ये माइक्रो फाइल किसमें लिख दिया मैंने, क्लास फाइल में लिखा है, ओके मॉड्यूल, अच्छा मॉड्यूल से आ रहा है, आ रहा, हाँ कई सारे मॉड्यूल्स में आ रहा है भाई, मॉड्यूल 6 में, एक मिनट, कॉपी डेटा, कई सारे ये हो गया ना, एक ही नाम में कई सारे माइक्रो हो गए, अलग अलग रूल्स में, इस कारण से दिक्कत हो रहा था। अब आ गया ना कॉपी डेटा, देखिए इनविजिबली है तो कॉपी डाटा, देन रन रन, अच्छा हमने यहाँ पे बिथ को एंड नहीं किया, माफ कीजिएगा, एंड बिथ मैं दोबारा रन करता हूँ, माइक्रो कॉपी डेटा रन, और मुझसे पूछ रहा है फोल्डर कौन सा फोल्डर है, और इस फोल्डर में गया मैंने एडवी एक्सेल पे गया, और एडवी एक्सेल के अंदर डेटा पे गया, एंड ओके okay.
एनी डाउट्स? जी हेलो, एक डाउट था कि जैसे रेस्ट फाइल में हम डाटा कंसोल कर रहे हैं, उसमें फॉर्मेट कोई चेंज कर दे तो किसी का ए से बी है फॉर्मेट, किसी का ए से सी है, एक के नीचे एक पेस्ट करेगा तो वो डाटा कंसोल नहीं हो सकता। हाँ तो दिक्कत होगी, फिर उसके लिए फिर कुछ और सोचना होगा वही सर, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? सर। वो लेंदी है, अभी आज की क्लास से पॉसिबल नहीं है। वो हर एक कॉलम को अच्छा रीड करना पड़ेगा, कॉलम टू कॉलम मैच करना पड़ेगा। तो आई थिंक इसकी एक चीज हमने कवर की है इस क्लास में, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूंगा, देख लीजिए। ठीक है, तो सुजीत सुजीत सर, इसमें बोलिए। एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट डिलीट मेरे ख्याल से इसमें लगेगा। हाँ, वो हेडिंग डिलीशन के लिए जो हेडिंग जो है ना उसमें लगा सकते हैं कि हेडिंग बार बार रिपीट हो रहा है, तो जैसे इसने यहाँ पे पेस्ट किया तो यहाँ पे आप दे दीजिए कि एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। क्या करेगा कि जैसे कि डेटा कॉपी करेगा तो यहाँ पे जो डबल डबल हेडिंग है उनमें से एक हेडिंग को रिपीट करेगा, लेकिन इसमें मैनुअल पे आपको एक हेडिंग रखना पड़ेगा। तो बेसिकली इन जो नीचे का चीज है इस पे तो हमने इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया था। हमारा आज का जो हमारा सर ये आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो मेन टॉपिक था ए फाइल डायलॉग, इसको बोलते हैं गेट प्रॉम्प्ट डायरेक्टरी। किसी डायरेक्टरी को कैसे प्रॉम्प्ट करेंगे, मतलब कि आप जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर ब्राउज का बटन देखते हैं, ठीक है ना? तो ब्राउज का बटन आप कैसे बनाएंगे ये मेन चीज था। तो ब्राउज के बटन के ऊपर आपको इस तरह की कोडिंग करनी पड़ेगी, जो फाइल आप फोल्डर पिक करेंगे उसका पूरा पाथ एक वेरिएबल पे स्टोर करेगा, और फिर उस पाथ को जहां जहां जरूरत है वहां वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो एक कोड मैं आप लोगों को मेल कर देता हूं, आप लोग इसको बैठ कर आराम से देख लीजिएगा। और कल की क्लास से हम यूजर फॉर्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और आज की रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भेज देता हूं।